हेलो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर मैं सुबह के टाइम है और सुबह के टाइम में मैं पूजा पहले अर्चना कर लेती हूँ, इसके बाद ही सारे काम करना है क्योंकि आज है होली। और सुबह सुबह हमारे यहाँ पहले पूजा पाठ तो ज़रूरी होना है क्योंकि होली के दिन जब तक कि देवी देवताओं को अबीर न लगा दिया जाए जब तक में हम लोगों का शुरुआत होली होता ही नहीं है। तो ये देखिए हमने पूजा कर लिया है और ये देखिए बत्ती अर्चना जितना सारा चीज़ भगवान पर चढ़ाना रहता है, फूल मेरे होने लगे हैं तो देखिए फूल भी मैंने चढ़ाया है आज और अबीर लगाया है सभी भगवान को। तो चलिए मेरी पूजा अर्चना तो हो गई और बहुत बहुत ही सुंदर मेरे भगवान जी आज लग रहे हैं और सभी को मैंने माथे पर और चरण में अबीर रखा है। तो आ गई हूँ मैं रसोई रूम में, पूजा वगैरह हमारी हो गई है और सीधा मैं रसोई रूम में आ गई हूँ क्योंकि आज बनाना है बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने। और आज के दिन ना हम लोगों के यहाँ पुआ ठेकुआ मिठाई रसगुल्ले ये सारे चीज़ें बनते हैं, नीमकी गुजिया ये सारे चीज़ें बनते हैं। और आज के दिन ना बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं लेकिन मैं तीन ही बनाऊँगी क्योंकि अकेले है ना तो अकेले नहीं बनता है उतनी। मैं सोच रही हूँ ना कि एक एक चीज़ रोज़ बनाऊँ, जैसे कि आज मैं तीन चीज़ें बनाऊँगी। आज बनाने जा रही हूँ मैं और ये मैंने घोल रखा है इस तसली में, छोटे से तसली में मैंने घोल रखा है भगोने में, आप तसली बोलो या फिर भगोना बोलो, इसे भगोना बोलती हूँ। और ये भगोने में मैंने ये घोल रखा था पुआ के लिए लोर। तो ये देखिए लोर हमारा तैयार हो गया है तो इसे मैं छान दूंगी। तो आज के दिन ना पुआ हम लोग ज़रूर खाते हैं, माल पुआ, तो यही हम बनाने जा रहे हैं आज के दिन। तो सभी अभी घर पर ही परिवार लोग हैं, सभी बच्चे हस्बैंड जी सभी हैं, सब बाहर, बच्चे तो बाहर होली खेल रहे हैं। मेरा तो हो गया अबीर, मैं होली उतनी नहीं खेलती हूँ, शाम के टाइम सीधे जाऊंगी अपने परिवार मम्मी के यहाँ, वहाँ जाऊंगी घूमूंगी फिरूंगी अबीर लगाऊंगी, बस यही मैं करती हूँ। और होली तो बच्चे खेलते हैं अच्छे से। और यहाँ पर पुआ मेरा एक एक करके मैं निकाल दूंगी, पहले पुआ से स्टार्टिंग मैंने मीठे से किया है और एक गिलास मैंने पानी रखा है क्योंकि जब भी हमें छाना तला या फिर मीठे चीज़ बनाते हैं होली वगैरह में पर्व त्यौहार में तो हमेशा पानी रख दिया जाता है, एक गिलास या एक लोटा या फिर कोई भी बर्तन से पूरा भरा हुआ। कहते हैं ना कि तेल बहुत ही कम खर्च होती है, मतलब तेल बहुत ही कम सोखता है किसी भी चीज़ में, कम तेल में हमारा बन जाता है कहा जाता है। तो यही तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पुआ से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो ये है हमारे छोटा सा पुआ जो शुरू शुरू में सट गया है, देखिए हल्का। और या इसी थाली में मैं सब रख दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह के मैंने आटा सान रखा है, मतलब गूथ रखा है। और यहाँ पर जो गूथा है ना दो लो ये दिखाई दे रहा होगा, दो आटे तो अलग अलग, एक मैदे का एक गेहूं का आटा मैंने गूथ रखा है क्योंकि मैदे वाली का मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ निमकी, जो कि अभी काट रही हूँ। निमकी काट लेते हैं क्योंकि बच्चे को बहुत पसंद है निमकी और गुजिया भी पसंद है, लेकिन गुजिया आज मुझसे बनेगा नहीं क्योंकि गुजिया जब बनाने लगो ना तो ये सारी चीज़ें छोड़ जाता। तो गुजिया एक दिन सपर कर आराम से बनाऊँगी गुजिया और ठेकुआ, दो चीज़ें मैंने आज नहीं बनाई है क्योंकि आज बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर घूमने वगैरह अबीर खेलना भी है सभी को तो जाना भी है कहीं, तो इसलिए मैं तीन चीज़ें ही बनाई हूँ आज। और ये सारी चीज़ें में बहुत लेट हो जाती है, जैसे कि गुजिया में तो बहुत लेट हो जाती है, इसलिए निमकी मैंने यहाँ छाना है, निमकी बहुत पसंद है बच्चों को तो इसलिए निमकी छाना। अब पुआ मेरा हो गया है, ये थाली में मैंने पूरा निकाल रखा है और इसके बाद मैं डाल दूंगी इस पे
नीमकी और इसे हिला डुला कर ये सारे अलग हो जाते हैं और बहुत ही खिले खिले हुए थे नीमकी। और मैंने सब्जी भी बनाकर, सबसे पहले सब्जी बनाकर मैंने रख दिया था, तो पनीर मटर की सब्जी आज बनाई है। पूड़ी के साथ खाएंगे पनीर मटर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगा है, लगा आज खाने में तो अलग ही मज़ा आता है। इसी तरह बाकी नीमकियों को भी मैं छान लूँगी और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ी ही हम लोग खाएंगे। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया गर्मा गर्म नीमकी। और इसके बाद हस्बैंड जी भी बाहर से आ गए हैं, तो वो भी बोले कि मैं मदद कर दे देता हूँ। वैसे अकेले नहीं होता, एक की खोज और होता है बनाने वगैरह में ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं काटने लगी, उधर ये देखिए नीमकी छानने लगी हस्बैंड जी, तो ये हमारी आज मदद करने आ गए हैं। तो ये नीमकी छानेंगे और मैं काटते जाऊंगी और पूड़ी भी बेलते जाऊंगी और बस। और ये तैयार करने के बाद मुझे जाना है कहीं और भी घूमने वगैरह। अभी बिस्तर देखिए अभी ठीक ठाक नहीं है, बनाने के बाद ना मैं बिस्तर भी ठीक करूंगी सारे घर को। और ये देखिए हमारा पूड़ी और पुआ और नीमकी मैंने तैयार कर दी हूँ, आप लोगों को दिखा दी। यहाँ पर सभी चीज़ें तो दिखा दे, लेकिन मटर पनीर की सब्जी ही नहीं दिखा पाई, तो उसे भी रखना चाहिए था यहाँ पर। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और ये साड़ी मैंने पहना है और हम जा रहे हैं होली खेलने। हम लोग चलते हैं मायके और बस आज की वीडियो यहीं एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी होली, लेट से जाएगा मेरा ये वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। हैप्पी होली, बाय बाय, गुड डे।